हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गीतांजलि शर्मा। आज आपकी गीत सुबह सुबह आ गई है किचन में और बना रही है गर्मा गर्म आलू के परांठे। और इतने डिसिप्लिन से काम में पता है क्यों लगी हूँ? दिल्ली से डैडी जी आए हुए हैं, उनके लिए परांठे बन रहे हैं। और ये डोरबेल भजी देखे तो ज़रा, अजी ने अब क्या ऑर्डर कर दिया? तो अजी ने ऑर्डर की है डैडी जी की फेवरेट वाली आइसक्रीम और थोड़ा कुछ और सामान। जल्दी जल्दी से आइसक्रीम फ्रिज में रख देती हूँ वरना मेल्ट हो जाएगी। सबको नाश्ता करवा के फिर मैंने भी नाश्ता किया, क्योंकि हमने प्लान बनाया कि चलो आज लंच के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि लकीली सत्यम भी घर पे है, मोस्टली वो क्लासेस की वजह से बाहर ही रहता है। तो सब एक साथ जाएंगे तो मज़ा भी आएगा, भले ही आसपास ही जाएं लेकिन आज लंच बाहर करेंगे। बस फिर क्या था फ्रेंड्स, शॉपिंग लंच बाहर करने के नाम से तो हम लेडीज़ वैसे ही, हमें डबल एनर्जी आ जाती है। मैंने फटाफट से काम निपटाया और टाइमली रेडी हो गई। सत्यम भी रेडी होके आ गया, कह रहा है मम्मी टिचम टिच लग रहा हूँ, बोलो है ना। मैंने कहा हाँ लग तो अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा ना वेट बढ़ा इस लड़के का, तो बता दिया मैंने इसको। फिर मैं तो फुल रेडी थी ही, ये देखिए ये रहा मेरा लुक। और हमें ना लंच पे तो जाना है, लेकिन लंच के बाद ना डी मार्ट भी जाना है, क्योंकि घर में बहुत सारा राशन पानी ख़त्म है। तो पहले मैं आई किचन में और जो भी हमारे ये थैले, आजकल हम थैले यूज़ कर रहे हैं ना शॉपिंग के लिए, यू नो एनवायरमेंट फ्रेंडली वाले, तो बस वो मैंने निकाले किचन से। मैंने कहा चलो 7-8 तो लग ही जाएंगे, तो 7-8 ले लिए। और हम चले लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए, मेरे ये 3 हैंडसम बॉयज आई विल से और कैमरा पे इनको कैप्चर करती हुई मैं, कैमरा के पीछे गीतांजलि शर्मा। तो सबसे पहले हम लंच करने के लिए पहुंचे द कोर्टयार्ड में, जो हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो डैडी जी को मैं यहाँ पहली बार लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, अनीशा और मेरा बेब्स के साथ, लेकिन डैडी जी का ये फर्स्ट टाइम है। अजी के साथ भी शायद एक बार आई हूँ, लेकिन पापा जी को हम पहली बार लेके आए हैं। क्या खाना डैडी को पूछो, मेन्यू दिखा के। इतना देखते हैं फिर लगेगा तो अपना कर सकते हैं। और कुछ सर आपके लिए ड्रिंक्स में कुछ मोहितो स्पेशल है? सो सर आई जस्ट रिपीट ऑर्डर योर ऑर्डर फॉर थाई ग्रीन करी वेजिटेबल, वन स्मोकी ग्रीन वेजिटेबल विद पनीर, वन कॉटेज चीज स्टेक विद बटर। ये है क्या डैडी जी? थाई करी और राइस। ये सब कम कर रहा है। चलो भाई जल्दी उठा दो अपना। खाना खाकर हम सीधे पहुंचे डी मार्ट, और डी मार्ट में भीड़ बाबा रे बाबा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। छोटी दिवाली का दिन था बाई गॉड, हमें लग रहा था कि भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि लोग घर में बिजी होंगे सेलिब्रेशन के को लेकर या सजावट को लेकर, पर नहीं भैया, सारी दुनिया तो यहीं पहुंच रखी थी। और मुझे वापस घर पहुंचना था टाइमली, ताकि खाना भी बना सकूं, चाय भी बना सकूं, डैडी जी को शाम की चाय भी दे सकूं। और शाम को है हमारी सोसाइटी में दीपोत्सव, उसके लिए सब फ्रेंड्स ने कहा था उतर जाना। और यहाँ आके तो मुझे लगा भैया पता नहीं यहीं से कितने बजे निकलेंगे, हो गया दीपोत्सव, पता नहीं मैं नीचे उतर भी पाऊंगी कि नहीं। पर जैसे भी हमने पूरी शॉपिंग की और बिलिंग काउंटर तक पहुंचे, अब डी मार्ट की शॉपिंग ही आपको दिखानी हो ना तो उसके लिए तो अलग से ही व्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेने जाते हो 2-4 हज़ार का सामान, बाहर निकलते हो 10-20-25 हज़ार का लेके, और ये तो पता नहीं भैया डी मार्ट का कुछ ऐसा ही है बाई गॉड। और फिर हम पहुंच गए घर, अब टारगेट था सारा सामान ऊपर घर तक पहुंचाना। और घर पहुंचकर हाथ धोकर सर्वप्रथम मेरा कार्य होता है चाय बनाना। अभी तो डैडी जी के लिए भी बनानी थी, पर वैसे भी मैं कहीं भी बाहर से आऊँ ना तो सबसे पहले तो मुझे बनानी होती है चाय, और आराम से बैठकर मैं वो एक कप चाय पीती हूँ और फिर मुझ में एनर्जी आ जाती है बाकी का सब काम करने के लिए।
और चाय बनते से ही मैं सब्जी बनाने भी लग गई। मटर पनीर चढ़ाया मैंने, मैंने कहा भैया दीपोत्सव पे भी जाना है तो सब्ज़ी बना के जाऊँ, फिर आके ना मुझे सिर्फ चपातियों का ही काम रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। और डैडी जी के रूम के टीवी में कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी तो बस एयरटेल वाला भैया भी आने ही वाला है, हम उसी की वेट कर रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, चलिए दीपोत्सव में चलते हैं गाइस। तो दीपोत्सव में जा रही हूँ, उससे पहले मेरी पड़ोसन ने मुझसे कुछ ये स्वीट्स मंगाई थी तो उनको हैंडओवर करते हुए चलती हूँ। चलिए बेब्स, बेब्स हेलो, चलो लुकिंग वेरी प्रिटी, फिर आते हैं बाद में। वीडियो में लेती हूँ दोनों दिल्ली को इनके साथ जा, ये वीडियो। नमस्ते भैया, हैप्पी दिवाली भैया, आप भी आ जाओ। हेलो स्मिता जी, साड़ी में आप बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे वाह वाह वाह, और ये देखिए खूबसूरत सा रायगढ़ किला हमारी सोसाइटी के बच्चों ने बनाया बहुत ही मेहनत से, और वाकई में बहुत ही प्यारा बना था। शिवाजी महाराज का किला, हाँ बहुत प्यारा बना। फोटो नहीं है, वीडियो है। वेलकम भावना, वेलकम। मेरे ऐसी ब्लॉग में तो तुम देखो।